राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक तरह से राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। कांग्रेस ने 10 सीटें जीत कर 10 साल के सूखे को खत्म कर दिया। जहां 7 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर बाजी मारी, वहीं शेखावटी की 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया। शेखावटी में आने वाली 4 लोकसभा सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों ने शानदार प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लेकिन शेखावटी में इस जीत के मायने क्या हैं? इसे समझने के लिए 5 महीने पहले क्या था वो देखते हैं। जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई थी और भाजपा के हाथ में सूबों की कमान आई, यहीं से राजस्थान और खासतौर पर जाटों की नाराजगी जाहिर हुई। जाट समुदाय इसलिए नाराज था कि भजनलाल मंत्रिमंडल में उनकी जीत को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जाटों को नजरअंदाज करने के इस नैरेटिव ने पूरी तरह शेखावटी इलाके में जमीन पकड़ ली। चुनाव के बाद भजनलाल सरकार पर आरोप लगे कि वो जाट समुदाय के सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर उन्हें टारगेट कर रही है। इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार को घेरा था। इस मामले में लाडनू से कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर ने ट्रांसफर पॉलिसी से सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर टारगेट करते हुए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ये माहौल बना कि भाजपा जाट समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। वही डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ की सियासी लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में नए तरीके से सामने आई। जब भाजपा ने राहुल कस्वा का टिकट काटा, तब कस्वा ने इसे जाट और समुदाय की लड़ाई बना दिया। अपने पूरे कैंपेन में कस्वा ने बार बार एक ही बात दोहराई कि उनका टिकट राजेंद्र राठौड़ ने काटा है। राजस्थान में शेखावटी वह क्षेत्र है जहाँ के युवा बाकी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं। खासतौर पर नागौर और झुंझुनू में इसका काफी असर है। शेखावटी इलाके में अग्निपथ योजना के बाद सेना की तैयारी करने वाली अकेडमी बंद हो गई। इस योजना को लेकर युवाओं में खासा गुस्सा था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाया और यही भाजपा के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में देश में हुए किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा हिस्सा शेखावटी के किसानों ने लिया था। खासतौर पर राजस्थान हरियाणा शाजापुर बॉर्डर पर बैठे किसानों में सबसे ज्यादा किसान इसी क्षेत्र से थे। ऐसे में किसानों के भीतर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा था और यही गुस्सा भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में दिखा और उसका नतीजा रहा कि ना तो राजस्थान का मिशन 25 पूरा हुआ और ना ही 400 पार हुआ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।